क्लास 12th चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक हैं? असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते हैं, सूंघते हैं तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं और उनके भरपूर रंग आदि, यह सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है, सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्पक्रमों, पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें तो वे अनुकूल की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की संरचना सुनिश्चित हो सके। आइए इस अध्याय में आकारिकी, संरचना तथा पुष्पी पादपों आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझें। 1.1 पुष्प आवर्त बीजियों का एक आकर्षक अंग। प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटस्थ संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। यह मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे हैं। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाइए जिनका आभूषणात्मक श्रृंगारिक महत्व हो या जिन्हें घर एवं बगीचों में उगाया जा सके जाता हो। आप 5 उन पुष्पों का भी पता करें जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया जाता हो। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती, फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि के बारे में सुना है? इसका क्या तात्पर्य है? एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकारिकीय, भ्रूणिकीय, भ्रूणीय आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल हैं। आपने कक्षा 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया। चित्र 1.1 यहाँ पर चित्र दिया है। इसमें वर्तिकाग्र, उसके नीचे वर्तिका है, पंखुड़ी, परागकोष और तंतु, बाह्य दल हैं ये यहाँ पर, और अंडाशय है, उसके नीचे पुष्पासन है। चित्र 1.1 आपको एक प्ररूपी पुष्प की विशिष्ट अंगों को पुष्प स्मरण करने में सहायक होगा। क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हो जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली 2 इकाइयां होती हैं? 1.2 निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप पुष्पी अध्यक फ्लोरल प्राइमोडियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्पक्रम की रचना होती है जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायांग विभेदित एवं विकसित रहती हैं। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंग केसरों का गोला एक चक्कर नर जनन अंग का तथा जायांग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। पुंग केसर लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। चित्र 1.2 में देखिए आप यहाँ पर एक पुंकेसर का दिया है, पराग कोष है ऊपर और यहाँ पर तंतु डंठल, ब में पराग कोष परागकण है, उसमें लाइन ऑफ डेहिसेंस। एक प्रारूपिक पुंकेसर, एक पराग कोष, 3 आयामी अनुभाग हैं। यहाँ पर चित्र 1.2 में हमने परागकोष देखा है। एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर 2 भागों में विभक्त रहता है, जिसमें एक लंबा पतला डंठल तंतु होता है जिसे फिलामेंट कहलाता है, तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना
पराकोष कहलाता है, जो कि चित्र में आपको ऊपर की ओर दिख रहा है, वो द्विपालित हैं। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों केसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती हैं। अगर आप 10 पुष्पों प्रत्येक भिन्न प्रजाति से एक एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है जो प्रकृति में विद्यमान है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानी पूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में परागकोषों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। एक प्रारूपिक आवर्त बीज परागकोष द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। यहाँ पर 1.2 में एक परागकोष 3 आयामी अनुभाग है जो आप देख सकते हो यहाँ पर, और दोनों पाली द्विकोष्ठी हैं। चित्र 1.2 में हमने अभी देखे, प्राय एक अनुलंब खाँच प्रवारक कोष्ठ को अलग करते हैं, अनु करते हुए लंबवत गुजरता है। आइए परागकोष चित्र 1.3 के ब में देखते हैं। यहाँ पर यह चित्र 1.3 का ब वाला है। इसमें सबसे बाहरी परत अंतस्त्वचा और उसके बाद अंतस्थिशियम, मध्य परत है, लघु बीजाणु है यहाँ पर, और टेपिटम सबसे आंतरिक परत है। तो हमने 1.3 के ब के चित्र में देखा, एक के अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के उत्तकों तथा अनेक संयोजन को समझे। एक पराकोष की द्विपालित प्रकृति पराकोष के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती हैं। परागकोष एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती हैं, जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणु धानी समाहित होती हैं, जो प्रत्येक पाली में 2 होती हैं। यह लघु बीजाणु धानी आगे विकसित होकर पराग पुट्टी पोलेन सेक्स बन जाती हैं। यह अनुलंबवत एक पराग कोष की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और पराग कणों से ठसाठस भरे होते हैं। लघु बीजाणु धानी की संरचना, एक अनुप्रस्थ काट में एक प्ररूपी बीजाणु धानी लघु बीजाणु धानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती हैं। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवर्त होती हैं। चित्र 1.3 अ में देखिए आप, यहाँ पर चित्र 1.3 का अ है। टेपिटम में सबसे आंतरिक परत, उसके अंदर संयोजी, अंतस्त्वचा सबसे बाहरी, उसके बाद की वाली परत का नाम है अंतस्थिशियम। बीजाणु उत्तक दिखाया गया है यहाँ पर। टेपिटम उससे घिरा हुआ है, टेपिटम पोषक प्रदान करता है उसको। मध्य परत है टेपिटम के बाद। तो एपिडर्मिस बाह्य त्वचा कहते हैं, एंडोथेसियम अंतस्थिशियम मध्य परत तथा टेपिटम बाहर की ओर कि 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं तथा पराग कोष के स्फुटन में मदद कर पराग कण अवमुक्त करती हैं। इसकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती हैं। यह विकासशील पराग कणों को पोषण देती हैं। अभी हमने टेपिटम 1.3 के अ में देखी थी परत। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। क्या आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टेपिटम कोशिका द्विकेंद्रिकी बन सकती हैं? जब एक पराकोष अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणु जन उत्तक कहते हैं, लघु बीजाणु धानी के केंद्र में स्थित होता है। लघु बीजाणु जनन, जैसे जैसे पराग कोष विकसित होता है, बीजाणु जन उत्तकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टयी बनाती हैं। चतुष्टयी की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होगी?
जैसा कि बीजाणु जन उत्तक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती हैं, प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती हैं। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय चार कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें लघु बीजाणु चतुष्टय चतुष्क कहते हैं। चित्र 1.3 के अ में देखा अभी हमने, जैसे ही पराग कोश परिपक्व एक स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और पराग कणों चित्र 1.3 के ब में हैं के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और पराग कण निर्मित होते हैं। पराग कण जो पराग कोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। पराग कण नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप हिबिस्कस, गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले पराग कोश को छूते हैं तो आप अपने अंगुलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे पराग कणों को पाते हैं। एक खांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह पराग कण छिड़के और एक सूक्ष्मदर्शी में देखें, आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पराग कण विन्यास, आकार, रूप, रंग एवं बनावट में भिन्न दिखते हैं। पराग कण सामान्यतः तो गोलाकार गोली होते हैं जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से दो परतों वाली भित्ति होती हैं। कठोर बाहरी भित्ति को भाईचोल कहते हैं जो कि स्पोरो पोलेनिन से बनी होती हैं जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री हैं। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती हैं। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत कर सके। पराग कण के बाहिचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होते हैं पराग कण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है। बाहिचोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी स्तंभों की पंक्तियाँ प्रदर्शित की गई हैं चित्र 1.4 में। यहाँ पर देख सकते हो आप चित्र 1.4 में ये सब कुछ पराग कणों का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी परदृश्य पराग कण है। आपका क्या विचार है, बाहिचोल सख्त कठोर होना चाहिए, जनन छिद्र के क्या कार्य हैं? पराग कण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। यह एक पतली तथा सतत परत होती हैं जो सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती हैं। पराग कण का जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब पराग कण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं कायिक तथा जनन कोशिका समाहित होती हैं। चित्र 1.5 में देखिए आप, यहाँ पर 1.5 के अ में एक पराग कण चतुष्क परिवर्धित दृश्य व एक लघु बीजाणु धानी का एक पराग कण के रूप में परिपक्व होने के विभिन्न चरण हैं। राजधानी केंद्रक की एसिमेट्रिक तंतु, कायिक कोशिका, प्रजननी कोशिका, जनन कोशिका। कायिक कोशिका बड़ी होती हैं जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जनन कोशिका छोटी होती हैं तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती हैं। यह तर्कु आकृति घने जीव द्रव्य और एक केंद्रक वाला है। 60% से अधिक आवर्त बीजी पादपों के पराग कण इस दो कोशी चरण में झड़ते या संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर पराग कण के झड़ने से पहले तीन चरणीय दो नर युग्मकों को बनाते हैं। अनेक प्रजातियों के पराग कण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी और श्वसनी वेदना पैदा करते हैं जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार
दमा, श्वसनी शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाती हैं। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाले गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई हैं, जो पराग एलर्जी कारक हैं। पराग पोषणों से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियां टेबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध हैं। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों घोड़ों की कार्यदक्षता में वृद्धि करता है। पराग कण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता अंकुर क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहां यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। आपके विचार से पराग कण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? कौन सा पराग कण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है? बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान या आर्द्रता पर निर्भर करता है। उच्च अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में पराग कण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि गुलाबवत, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी तथा सोलेनेसी आदि कुछ सदस्यों में पराग कणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना हो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। बहुत से प्रजाति के पराग कणों को द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार बैंक की भांति पराग भंडारों बैंकों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है।